हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ आप लोगों के ही डाउट्स लेकर, जो आप लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग चाह रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं ना, वो सब मैं आज लेकर आई हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए, और जो जो आप मेरे से पूछना चाह रहे थे तो वो सब मैं जो है इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी पूरी। मेरे HTET, TGT और PGT से रिलेटेड जितने भी आपने जो मेरे से क्वेश्चंस करे थे तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो पहले जो है आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे थे कि आपने MSc कहाँ से करी है, तो मैंने MSc जो है वो MDU डिपार्टमेंट से करी थी और मेरा सब्जेक्ट था जूलॉजी, तो मैंने जूलॉजी से MSc करी है MDU से, और वो भी डिपार्टमेंट से करी है मैंने। और मेरी MSc जो है वो कंप्लीट हुई थी, मैंने जो है अभी 2020 में जो है MSc में एडमिशन लिया था, और 22 में मेरी जो है MSc जो है वो कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ से मैंने अपनी MSc करी है। आप लोग मेरे से ये भी पूछना चाह रहे थे कि HTET के लिए मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया है, HTET में मेरे मार्क्स कितने आए हैं, तो वो सब मैं जो है आपको बताऊंगी। तो HTET का मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि 2022 में मेरी MSc कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मुझे ये था 22 में मेरी MSc कंप्लीट हुई, रिजल्ट आया था जुलाई अगस्त में जो है सेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपना प्रिपेयर कर रही थी TGT एग्जाम्स के लिए, जैसे DSSSB वगैरह, क्योंकि मैंने CTET क्वालिफाई कर रखा था। तो जैसे ही मैंने वो क्वालिफाई किया, उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो पता चलता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि हरियाणा के अंदर ना वैकेंसीज आ गई हैं, और TGT की वैकेंसीज आ गई हैं, और इतनी वैकेंसीज आ गई हैं। आप लोगों को पता होगा 12,000 कुछ वैकेंसी थी साइंस की, मुझे अपने सब्जेक्ट का ज़्यादा नॉलेज है, मैं बाकी का वैसे भी ऑल ओवर काफ़ी वैकेंसीज आई थी उस टाइम पर। तो मुझे ये चीज़ पता चली, तो फिर मुझे लगा मैं भी अप्लाई करूं, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आप जो CTET कर रखा है जिन्होंने, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, अब सिर्फ HTET वाले कैंडिडेट्स जो हैं वही अप्लाई करेंगे। तो मुझे उस टाइम लगा कि चलो यार, हाथ से निकल गया ये अपॉर्चुनिटी, तो क्योंकि मैंने जो है HTET के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा CTET हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे HTET की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट कर दिया था CTET HTET को, फिर उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो फिर मुझे ये लगा कि अब जो है उसके लिए प्रिपेयर भी करना पड़ेगा HTET के लिए, लेकिन ये वाला जो मौका था वो निकल गया। आप लोगों को पता है इतनी जल्दी गवर्नमेंट जो है निकालती भी नहीं है वैकेंसी, इतनी जल्दी वैकेंसी आती भी नहीं है, और एक सब्जेक्ट की तो पता नहीं कितने सालों में आती है, खासकर स्टेट एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये मौका तो निकल गया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उन्होंने जो TGT की वैकेंसी है वो जो फॉर्म फिल हो रहे थे उनके ऊपर स्टे लगा दिया अभी, और पहले HTET होगा, उसके बाद ही जो है वैकेंसीज दोबारा मतलब कि निकलेंगी, और फिर जब है फॉर्म अप्लाई होंगे। तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, वैसे तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम थी कि पता नहीं ये भर्तियाँ पूरी होंगी या नहीं होंगी इनकी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हमें अपना काम तो एटलीस्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने जो है HTET के लिए अप्लाई HTET का फॉर्म भर दिया था। तो उसके बाद मेरे पास हार्डली, ये चीज़ मुझे जब पता चली, मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड था और दिसंबर में शायद एग्जाम था, तो इतना ही टाइम था बस मेरे पास, तो मुझे उसी में प्रिपेयर करना था। तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और सच्ची बताऊं मैंने इसकी कोई पर्टिकुलर अलग से प्रिपरेशन नहीं करी, मैं जो अपने प्रिपरेशन कर रही थी ना उन्हीं के साथ साथ मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन साथ में ले लिया था, क्योंकि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो बहुत और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो साइड बाय साइड हम वो चीज़ें भी कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपके नंबर कितने बने थे, तो मेरे जो नंबर थे मेरे 98 तो मेरे TGT में थे, और 94 मेरे PGT में थे, इतने ही नंबर थे मेरे। और उसके बाद जो है आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर आपने कहाँ से करे थे या हम कहाँ से करें। तो मैंने सच्ची बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा, मैंने कोई भी इसमें अलग से ना कोई कोचिंग ली, ना मैंने कोई खर्चा किया, ना मैंने बुक ऐसी कोई खरीदी थी, कुछ भी नहीं किया था मैंने। जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके गूगल पे प्रेजेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स थे HTET के, प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, मैंने बस वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर लिया। अगर आपको फोन से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप उनकी PDF निकलवा लो, PDF कह रही हूँ मतलब उनका प्रिंटआउट निकलवा लो और आप वहां से पढ़ सकते हैं उसको।
तो मैंने बस वही किया था। और जब मैंने वो सारे रखे ना, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, जब मैंने वो सारे पेपर देखे तो मुझे ना सच में ये चीज रियलाइज होगी कि प्रीवियस ईयर से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब मैंने देखा कि जो उससे पहले वाला एचटेट हुआ था, जो हम मैंने अप्लाई किया था उससे पहले वाला जो एचटेट हुआ था, उससे पहले वाला जो एचटेट था, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे, मतलब रिपीट हो रहे थे एक दूसरे के साथ, रिपीटेड मोड पे थे वो क्वेश्चंस। तो मुझे ये लगा कि भाई सच में ही इसमें जो है क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर का इसमें बेनिफिट बहुत है अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हो। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ गूगल से डाउनलोड करे थे और मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई बुक वुक नहीं ली इसके लिए, जितने प्रीवियस ईयर पेपर थे वो ले लिए थे और फिर उनके जो क्वेश्चन हैं वो लगा लिए थे, और जो क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी थे या कुछ थे तो वो अपनी नोटबुक में लिख लिए थे। तो इस तरीके से जो है मैंने किया था। वो मैंने पहले भी बताया था कि टीजीटी के लिए मैं बताऊं तो मैंने सिर्फ जो है बायोकेमिस्ट्री 11-12 तक की करी थी, फिजिक्स मैंने सिर्फ 10 तक की करी थी, क्योंकि अगर आपके पास मैथ्स रहा और जब आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लो, बायो को, मतलब इस तरीके से आप कोई भी दो सब्जेक्ट अप पे अच्छी कमांड कर लो तो तीसरा थोड़ा बहुत कम हो तो चल जाता है। तो यही चीज मैंने करी थी, बायोकेमिस्ट्री 12th लेवल तक की करी थी, वो भी एनसीईआरटी से सिर्फ, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं उठाई मैंने, सिर्फ एनसीईआरटी करी थी। उसके अलावा आप मेरे से पूछ रहे थे कि शेयर नोट्स प्लीज, तो नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बस वैसे बता रही हूँ कि आप, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से ही बना रखे हैं नोट्स और उसमें कुछ ऐड कर रखा है, वो ये कि जब मैंने प्रीवियस ईयर्स वगैरह से क्वेश्चंस देखे तो वो मैंने उसमें ऐड कर लिया, या जब आप पढ़ते हो तो आपको भी पता है कि आप मॉक्स देते हो 1%, मैंने तो खैर मैं बता रही हूँ मैंने एचटेट के लिए कोई मॉक भी नहीं दिया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन आप, मैं जस्ट बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको कहीं पे कुछ अलग दिखता है, तो कभी भी उसको ना वैसे मत छोड़ा करो, उसको ना लिख लिया करो, जहां पर आप तैयारी कर रहे हो ना वहां लिख लिया करो, क्योंकि उस टाइम जब हमने एक बार देखा ना तो हमें लगता है कि हमारे दिमाग में सेट हो गया, लेकिन ना हम बाद में भूल जाते हैं वो चीजें और कन्फ्यूजन में आ जाता है, पेपर में जब सेम क्वेश्चन आएगा ना आपको लगेगा क्वेश्चन तो देख रखा है लेकिन आ नहीं रहा, और आ क्यों नहीं रहा, देख तो रखा था लेकिन ना क्या हुआ कि प्रैक्टिस नहीं हुई उसकी, या उसको एक ही बार देखा बस, दो तीन बार अगर देख लेते तो बात बन जाती, तो वो चीज नहीं हुई। तो इसीलिए ना उसको लिख लिया करो, ये मत सोचा करो मेरे तो याद रहेगा, ये याद नहीं रहता, वो भूल जाते हैं हम लोग, तो उसको लिख लिया करो। तो मेरे जो नोट्स हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी की आप लाइन टू लाइन पढ़ो, ठीक है, इतनी भी बड़ी बुक नहीं है एनसीईआरटी, आप लाइन टू लाइन पढ़ो डेली के ना, आप, मैं साइंस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, डेली के ना हम लोग दो चैप्टर्स आराम से कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट, अदर मतलब हमारा जो कॉमन पेपर है उसकी तैयारी के साथ साथ हम दो चैप्टर आराम से कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप दोनों एक ही सब्जेक्ट के उठाओगे कि आप अलग अलग लोगे, जैसे मैंने एक बायो का ले लिया, एक केमिस्ट्री का ले लिया, वो आपकी मर्जी है। कई बार तो मैं तीन भी कर लेती थी, कभी छोटे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स का भी फर्क होता है, कुछ चैप्टर्स जो है ज्यादा ट्रिकी होते हैं, टाइम लगता है उनमें, कुछ जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि आपका बेस होता है पहले से उन चैप्टर्स में, तो वो सब चीजें होती है, उनके रिगार्डिंग आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब था। उसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपने कहाँ से करने हैं, मैंने तो देखो ऐसे ही करे थे और मुझे इसमें कुछ बुराई लगी भी नहीं, मुझे सारे क्वेश्चन मेरे उसमें कवर हो गए थे, ठीक है। अब किसी ने मेरे से पूछा है कि कॉमर्स के लिए कहाँ से करें, सीडीपी तो हो जाती है, कॉमन पेपर और कॉमर्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कॉमर्स में, पहले तो बात यह है कि आप कॉमर्स टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो कि पीजीटी के लिए कर रहे हो, ये आपने मेंशन नहीं किया है। तो अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हो तो फिर ये बात है कि आपका सब्जेक्ट क्या है उसमें, क्योंकि कॉमर्स वाले जहां तक मुझे पता है शायद एसएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास मैथ्स था कॉमर्स में 11-12 में ऐसा कुछ तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप एसएस के लिए कर रहे हो तो आप अपने जो एनसीईआरटी, आपको भी मैं वही बोलूंगी कि 12th तक की आपकी जो एसएस की एनसीईआरटीज होती हैं उनको आप कर लो, जैसे सिविक्स है आपकी, पॉलिटिक्स जो बोलते हो आप लोग, हिस्ट्री है और ये सब जो भी आपके हैं आप उन सब्जेक्ट्स को कर लो 12th तक का ही, 12th से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। एमएससी मैं आपको बता चुकी हूँ, नंबर बता चुकी हूँ। यूट्यूब से कहाँ से टेट की तैयारी करें, तो यूट्यूब से मैं अपना बताऊँ तो मैंने यूट्यूब से सिर्फ प्रैक्टिस करी थी, और प्रैक्टिस भी कैसे, बस
ऐसा मैंने कोई स्पेसिफिक कुछ भी सर्च नहीं किया था, बस मैंने ऊपर सर्च किया जो मुझे प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने बस वो सर्च करा और मुझे जो क्वेश्चंस आगे आते गए मैं करती गई, और जो मुझे थोड़ा सा अलग लगा तो मैंने उसको जो है लिख लिया था। इतना टाइम मैंने लिया भी नहीं था, यूट्यूब पे इतना टाइम दिया भी नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ ये चीज़ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, अपने सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पे फोकस करो, आपकी बहुत सारी चीजें मतलब आप खुद फील करोगे कि क्लियर हो गई है। सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। और मैंने आपको बताया था सीडीपी आपकी जैसे आपको करनी है कि भाई आप प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो, और जो यूट्यूब पे लेट्स लर्न वगैरह का है वहां से आप कर लो, ठीक है। और उसके अलावा हिंदी है, हिंदी आप ग्रामर की बुक उठाओ, कौन सी, अपनी टेंथ की ग्रामर की किताब उठा लो, ठीक है। टेंथ की ग्रामर की बुक होगी ना आपके पास, नहीं है तो खरीद लो एक बुक, ठीक है, तो वो बुक कर लो, उसमें से आपके जो भी हैं जैसे संधि है ना, समास है, ये सब कर लो। और ये भी बिल्कुल बेसिक, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत ही आपका हिंदी का पेपर नहीं हो रहा है उधर, ऐसा नहीं है कि हिंदी आपका, अगर आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट नहीं है तो की बात कर रही हूं मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा डीप में पूछेंगे। इंग्लिश के साथ भी वही चीज है, मैं आपको प्रेफर करूंगी नीतू सिंह मैम की बुक ले लो और उससे कर लो, बहुत अच्छी बुक है, समझ बहुत अच्छे से आता है। मतलब मैं भी तैयारी कर रही हूँ तो मैं उस वे से ही आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ मिलना है उस चीज से, ठीक है। तो ये सब है, उसके अलावा आपकी हरियाणा जीके आती है, इसमें हरियाणा जीके मैंने आपको बताया था कि आपकी इच्छा है, अगर आप और बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आप हरियाणा जीके छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर देना उसको, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कुछ आए तो लगा देना, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है ना, और तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कर लेना उसको भी थोड़ा बहुत ना, क्योंकि आगे आप एचटेट के बाद स्क्रीनिंग की तैयारी करोगे ना, तो स्क्रीनिंग में फिर आपको वो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा का पूरा आता है उसमें एग्जाम में, तो इसीलिए फिर मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरिहंत की किताब उठा लो, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है उसमें से हरियाणा जीके की। और अगर आपके अभी के लिए एक्सटेंड के लिए ना, अरिहंत की दो बुक आती है, एक मोटी आती है एक पतली आती है, अभी आपके पास टाइम की शॉर्टेज और आपका करने का मन है ना, तो पतली वाली अरिहंत की बुक ले लेना, ठीक है, उसको कर लेना। और जब आपको अगर डिटेल से अच्छे से करने का टाइम मिले या मन हो, या फिर आप स्क्रीनिंग के लिए जब प्रिपेयर करें, तो मोटी वाली ले लेना। और उसकी भी ना नोट्स बना लेना, कभी भी बुक से मत पढ़ना, मतलब ऐसा मत सोचना कि मेरे पास तो बुक है जब मेरा मन करेगा इसको उठा के पढ़ लूंगा, नहीं, एक कॉपी बनाओ, अपना पढ़ रहे हो ना उसको साथ साथ उसके अंदर लिख लो, और उस नोटबुक से जो है फिर तैयारी करो। कभी भी उनसे उससे कभी भी प्रिपेयर मत करना, बुक से प्रिपेयर मत करना, बुक से कभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, शुरू से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। और आप जब अपने नोट्स बना लेते हो तो आपको वो चीजें नहीं करनी पड़ती स्टार्टिंग से। तो आई थिंक यही थे आपके डाउट्स थे जो भी थे, मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कुछ और लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए और बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।